फ्लेवर ऑफ शाज। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल स्टाइल में महाराष्ट्रीयन स्टाइल बैगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। महाराष्ट्रीयन स्टाइल बैगन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर जो है मैंने 300 ग्राम कांटे वाले बैंगन लिए हैं। इसे कांटे वाले बैंगन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हल्के हल्के से कांटे होते हैं। करने से जो है हमारी महाराष्ट्र स्टाइल जो सब्जी है उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हम अपनी सब्जी बनाने के लिए अपने बैंगन को जो है अच्छी तरीके से कट कर लेते हैं। जो है इसे पूरी तरीके से नहीं काटना है, बस हल्के से जो है इसकी हम डंठल को कट पीछे से काट लेंगे और हल्का हल्का सा जो है इसके एजेस को इस तरीके से कट कर लेंगे। इससे जो है इस तरीके का जो है प्लस का हम साइन लगा लेते हैं और हम अंदर से जो है अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कहीं जो है हमारा बैंगन खराब ना हो, इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। इसे जो है हम साइड में रख देते हैं। इसी तरीके से जो है हम अपने सारे बैंगनों को कट कर लेते हैं। हमारे बैंगन कट कर तैयार हो चुके हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले जो है हम 1 से 2 टेबलस्पून कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो चुका है। सबसे पहले जो है हम अपने बैंगनों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अपनी लिड को बंद कर बैंगन को जो है हम 2 से 3 मिनट तक हल्का सा अपनी फ्लेम को मीडियम लो कर फ्राई कर लेते हैं। हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अपने बैंगन को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं। अब जो हम इसे निकाल लेते हैं। बैंगन आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं। कढ़ाई में दोबारा हम 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं। यहाँ पर जो है मैंने एक बड़ी साइज की प्याज ली है जिसे ऐसे बारीक सा मैंने काट लिया है। ये हम इसमें डाल देते हैं। और अपनी प्याज को जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारी प्याज जो है हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमें ऐसी चाहिए। अब जो है हम इसमें यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यह हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरीके से जो है इसे प्याज में भून लेते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज में अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है मैंने एक बड़ी साइज का टमाटर लिया है जिसे ऐसे बारीक सा काट लिया है। ये हम इसमें डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरीके से अपने प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में भून लेते हैं। टमाटरों को भी प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरीके से भून लिया है। अब अपनी फ्लेम को अपने टमाटरों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हम गला लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम अपने टमाटरों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमारे टमाटर जो है गल चुके हैं। ड्राई मसाले पाउडर इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर ली है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर ली है, ये हम इसमें डाल देते हैं। आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने होममेड कांदा लहसुन मसाला लिया है 2 टेबल स्पून। ये मसाला जो है मार्केट में भी आसानी से हमें मिल जाता है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक जो है भून लिया है। टेस्ट के हिसाब से जो है नमक डालेंगे। आप जो है इसमें नमक कम ही डालें, क्योंकि जो है हमारे कांदा लहसुन मसाले में पहले से ही जो है नमक होता है, इसलिए पहले आप जो है नमक इसमें कम ही है। जो हमने बैंगन फ्राई किए थे ये हम इसमें डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जो है मसाले में काफी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो है मैंने रोस्टेड मूंगफली का जो है पाउडर लिया है, ये मैंने 5 से 6 टेबल स्पून लिए हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं। इससे भी जो है हम अपने बैंगन में मिक्स कर लेते हैं। बैंगन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हमें बैंगनों को अच्छी तरीके से जो है गलाना है, उस हिसाब से जो है हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि जो है हमें अपने बैंगनों को भी गलाना है और हमें उसके हिसाब से ग्रेवी भी चाहिए, इसलिए जो है मैं यहाँ पर 1 बड़ा ग्लास इसमें पानी डाल दूँगी। जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से जो है पानी कम ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने तमाम चीजें जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। अब अपनी फ्लेम पर जो है ढककर अपने बैंगन और मसाले को जो है 8 से 10 मिनट तक पका लेते हैं। हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारे सब्जी का कलर आया है। अभी भी हमारे सब्जी में कसर बाकी है, इसे जो है ढककर हम 2 से 4 मिनट और पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारे सब्जी का कलर आया है। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से जो है हमारे बैंगन भी गल चुके हैं और आप हमारे ग्रेवी की जो है कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। आपको जिस हिसाब से चाहिए पतली गाढ़ी आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मुझे ऐसी ही चाहिए। अब जो है हम हमारी फ्लेम को बंद कर देते हैं और ऊपर से हल्का सा हरा धनिया डाल देते हैं। यहाँ पर जो है हमारी महाराष्ट्रियन स्टाइल बैंगन की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हमारी महाराष्ट्रियन स्टाइल बैंगन की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना खूब सारा ख्याल रखें।